हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बादल 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 कहाँ है तू? मैं आ गया। बादल 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 सुनिए सुनिए फोन हेलो चाचा जी अजीत बोल रहा हूँ। हाँ अजीत बोलो, क्या बात है इतने रात गए फोन किया? चाचा जी मैं ये झबुआ तालाब के पास वाले जंगल में हूँ, बादल का फोन आया था, बड़ा घबराया हुआ सा लग रहा था। अजीत 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 ये लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा ले अजीत, लोग मुझे मार डालेंगे। बादल क्या हुआ, कहाँ है तू? झबुआ तालाब के पास वाले जंगल में। गलती आ जानी थी, लोग मुझे मार डालेंगे। मैं आ रहा हूँ बादल, और सुन। हेलो हेलो अजीत क्या हुआ है? शिखा बादल का फोन था, बहुत घबराया हुआ लग रहा था, मुझे जाना होगा, मैं आता हूँ अभी। अजीत पापा पापा दरवाजा खोलिए। पापा मैं झबुआ तालाब जा रहा हूँ, बादल का फोन आया था, किसी मुसीबत में लग रहा है। रात बहुत हो गई है, संभल कर जाइएगा, ये टॉर्च रख लीजिए। कैलाश अजीत का फोन आया था, बोला बादल कुछ मुसीबत में, कहाँ है वो? अजीत झबुआ तालाब गया बादल को ढूंढने, आप जल्दी बैठिए हम भी चलते हैं, संभल के। बादल 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 हम लोग आ गए, बादल 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 ए बादल बादल हम लोग आ गए, बादल बादल अरे बादल। ऐसे तो हम लोग ढूंढ नहीं पाएंगे बादल को, मुझे लगता है हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। विनायक जी आप चिंता मत कीजिए, हम झबुआ तालाब जा रहे हैं, आपके बेटे बादल को ढूंढ लेंगे। पापा मैं इनके साथ जा रहा हूँ, आप एक काम कीजिए, आप घर जाइए, लता चाची इंतजार कर रही होगी, और बादल का फोन आया ना तो मुझे फोन कीजिएगा। बादल 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 कहाँ है तू? बादल 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 अजीत अंधेरा बहुत है और धुंध भी बहुत ज्यादा है, उसने कोई एग्जैक्ट लोकेशन बताया था क्या, कोई निशानी कहाँ था वो? बस इतना बताया कि झबुआ तालाब के पास वाले जंगल में वो लोग उसे मार देंगे, मैं बचा लूं। आवाज से बहुत घबराया हुआ लग रहा था, मुझे बचा ले अजीत, लोग मुझे मार डालेंगे। बादल अक्सर इस तालाब पे आता था? पता नहीं सर, असल में बादल मेरे कजन मोहित का बहुत अच्छा दोस्त है। मोहित कहाँ है वो? उसका तो फोन ही ऑफ आ रहा है सर, बादल का फोन आने के बाद सबसे पहले मैंने मोहित को ही फोन किया था। ए बादल क्या हुआ? बादल मिला? नहीं मिला, भगवान इतनी रात को कहाँ गया होगा बादल? हाँ पुलिस गई है साथ, अजीत भी गया है साथ में उनके। जय कहाँ है, जय से कुछ बात हुई? फोन नहीं उठा रहा है, शायद गहरी नींद में होगा, जब जरूरत होती है ना तभी गायब हो जाता है वो। कुछ पता चला बादल का? अरे भाई साहब आप यहाँ बिना भाई साहब को क्यों उठाया? भैया बता रहे थे अपना मोहित भी बादल के साथ गया था। क्या मोहित बादल के साथ गया है? हाँ कैलाश, रात 10 बजे बादल आया था और मोहित को ले गया। अरे यार कितना टाइम लगाता है, कब से वेट कर रहा हूँ। अबे वो जूते नहीं मिल रहे थे मेरे। मोहित बादल ये रात को कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? पापा बस ऐसे ही घूमने जा रहे थे, थोड़ी देर हो जाएगी आप सो जाना। मध्य प्रदेश के पालीपुर में रहने वाले बादल और मोहित जिगरी दोस्त थे और उस रात दोनों एक साथ अपने घर से निकले थे। जब बादल ने अजीत को फोन किया तो क्या उस वक्त मोहित भी बादल के साथ ही मौजूद था? बादल किससे डर रहा था, उसकी जान को किससे खतरा था और मोहित कहां था? रात का अंधेरा छटते ही उनकी खबर भी सामने आने वाली थी और सामने आने वाला था एक ऐसा भयानक जुर्म जो उन तीनों के परिवार वालों के साथ साथ पूरे गांव को भी हिलाकर रख देने वाला था। सुजीत भाई मैडम दोनों विक्टिम के पास से कोई सामान नहीं मिला, इनका मोबाइल वॉलेट सब गायब है, लगता मर्डर से पहले शराब भी पी गई है, अभी भी स्मेल है। तुम आसपास का एरिया स्कैन करो, तब तक मैं गांव वालों से बात करती हूँ। मैडम ये मोहित और बादल हैं,
पालीपुर गांव के ही हैं दोनों, बहुत अच्छे दोस्त थे। पल्लवी, कल रात बादल के लिए कंप्लेंट मिली थी। उसने मोहित के कजन अजीत को कॉल करके कहा था कि उसकी जान खतरे में। हमारी एक टीम झबुआ तालाब के जंगल के पास भी गई थी बादल को ढूंढने के लिए। झबुआ तालाब से? हमने देर रात तक झबुआ तालाब वाले एरिया को सर्च किया, फिर कंप्लेंट करने वाले अजीत को उसके मामा बलवंत ने कॉल किया। उसने बताया कि बादल के साथ मोहित भी था। हमने और सर्च किया लेकिन घने अंधेरे की वजह से हमें वहाँ कुछ नहीं मिला। माँ सुबह फिर से सर्च शुरू करने वाले थे, इनकी लाशें मिलने की खबर आ गई। सर, बादल ने अजीत को फोन करके कहा था कि वो झबुआ तालाब के पास। कहाँ है तू? झबुआ तालाब के पास वाले जंगल में। लेकिन हमें इन दोनों की लाश तो यहाँ सोमबाग में मिली है। ये इलाका झबुआ तालाब वाले एरिया से कुछ 15 मिनट की दूरी पर है ना? यस सर। सर, यहाँ कुछ है। सर, ये खून के धब्बे उधर से उस तरफ काफी दूर तक जाते हुए नजर आ रहे हैं। सर, ये झबुआ तालाब भी उसी तरफ है। पल्लवी, खून के निशान यहीं तक है, मतलब जो कुछ भी हुआ यही हुआ। यहाँ 2 ग्लासेस हैं, शायद ये लोग यहाँ शराब पीने आए होंगे। इन पर हमला हुआ होगा और शायद अपनी जान बचाने के लिए सोमबाग गांव की तरफ भागे होंगे। सर, ये भी तो पॉसिबल है कि दोनों का मर्डर यहाँ पे किया हो और मर्डर करने के बाद दोनों की बॉडीज ले जाकर सोमबाग में डंप किया गया हो। कोई इतनी मेहनत क्यों करेगा? इनके सामान भी गायब है और डेड बॉडीज मिलने वाली जगह पर भी कोई व्हीकल नहीं मिला। अगर इरादा सिर्फ लूट का होता तो फिर बॉडीज को इतनी दूर ले जाकर डंप करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। सर, मैंने फॉरेंसिक टीम को इन्फॉर्म कर दिया है और विक्टिम की फैमिलीज को। मोहित, 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 आगे जाना मना। अरे भाई मेरा। मेरे बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़? पापा, मां कैसी है? सर, दोनों की बॉडी में स्टैबिंग के निशान है, किसी धार वाली चीज से गला भी काटा गया। एक्यूज ने डबल इंश्योर किया कि दोनों बचे ना पाए। ब्लड में अल्कोहल ट्रेसेस हैं, साफ है कि जिस समय हमला हुआ दोनों काफी नशे में रहे होंगे। क्राइम सीन से हमें अल्कोहल की बॉटल्स मिली है। डॉक्टर, डेथ की टाइमिंग क्या होगी? दोनों की मौत सर कल रात 11 से 2 के बीच में हुई। 11 से 2 के बीच? और बादल ने अजीत को फोन किया था रात करीब 1 बजे। फिलहाल हम 2 एंगल मानकर चल रहे हैं, लूट या फिर दुश्मन। मर्डर के वक्त विक्टिम्स ने शराब पी हुई थी, पता करो ये शराब उन्होंने खुद खरीदी थी या फिर किसी ने लाकर दी थी। आसपास के एरिया के हिस्ट्री शीटर्स को भी स्कैन करो। वैसे इस बात के चांसेस बहुत कम है कि ये काम लुटेरों की टोली का, शायद किसी ने सुपारी दी होगी अपने दुश्मनी निकालने के लिए। सर, दुश्मनी किसकी, मोहित की या बादल की? यही तो पता करना है पल्लव, कि प्लान बादल को मारने का था और बदकिस्मती से उस वक्त मोहित उसके साथ में था इसलिए मारा गया, या फिर जाल मोहित के लिए बिछाया गया था और बादल की डेथ कोलैटरल डैमेज है। सर, अगर मोहित या बादल की किसी के साथ भी दुश्मनी थी तो इसके बारे में फैमिली को डेफिनेटली पता होगा। मोहित की मौत के बाद बलवंत भाई साहब टूट चुके हैं, इनकी किस्मत में दुख ही दुख लिखा है। अभी कुछ ही महीनों पहले पता चला कि इनकी किडनी खराब हो गई है। मालती भाभी तो जब मोहित 3 साल का था तभी गुजर गई थी, तब भाई साहब इस चिंता में रहते थे कि वो अकेले मोहित की परवरिश कैसे करेंगे। मोहित, ले बेटा खा लो, थोड़ा सा खा लो। अब मेरे अच्छे बच्चे होने बेटा, पापा की बात नहीं मानो, लो। पापा, मम्मी कब आएगी? मोहित, देखो तो कौन आया है। और आपको एक बात बताऊं, मैं आपकी बीना बुआ आपके लिए क्या लेके आई है मालूम है? इतने सारे चॉकलेट्स, और देखो
अजीत भैया भी आए हैं। कौन खेलेगा भैया के साथ? मैं। आप खेलोगे ना? खेलने से पहले आ करो। कैलाश समझ में नहीं आता मोहित को कैसे संभालूंगा। मालती को गुजरे हुए 4 महीने हो गए, आज भी मोहित उसकी माँ को पूछता है। तो अच्छा है कि अजीत और बीना हर हफ्ते यहाँ आ जाते हैं, तो उनके साथ मन बहल जाता है उसका, थोड़ा हंस खेल लेता है। और ऐसा कब तक चलेगा कैलाश? क्या फायदा इन सबका जब मैं अपने बेटे की हंसी तक वापस नहीं ला सकता। बलवंत भाई साहब के नमनपुरा गांव में एक बड़ी सी पुश्तैनी कोठी है, पहले वो वहीं रहते थे, लेकिन मालती भाभी के गुजर जाने के बाद उन्होंने वो कोठी अपने छोटे भाई प्रकाश को सौंप दी। बीना जब मोहित के पास थी तो उसने उसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, इसलिए भाई साहब ने हमारी कोठी के बगल में एक और कोठी खरीद ली। हमने कभी माना ही नहीं कि मोहित हमारे मामा का लड़का है। मैंने हमेशा उसे अपने छोटे सगे भाई की तरह माना और माँ भी उसे अपने बेटे की तरह ही प्यार करती थी। मोहित भी माँ को बुआ नहीं, माँ कह के बुलाता था। माँ, मोहित के जाने के बाद बलवंत मामा जी की तरह माँ का हाल भी बहुत बुरा। मोहित की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं, दुश्मनी तो नहीं थी। बलवंत जी इतने बड़े जमींदार हैं, इनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी? ऐसी भी कैसी दुश्मनी कि कोई इतनी बेरहमी के साथ मोहित को मारा दे। मोहित और बादल झबुआ तालाब क्यों गए थे? मुझे नहीं पता था, मोहित और बादल दोस्त थे, वो लोग अक्सर साथ में घूमने जाया करते थे। बादल की आपकी किसी के साथ दुश्मनी? मुझे गरीब से किसी की क्या दुश्मनी होगी। बादल तो बहुत हंसमुख लड़का था, बहुत ही जिम्मेदार, सबसे बड़े प्यार से मिलता था, उसकी भी किसी से क्या दुश्मनी होगी। आपका छोटा बेटा जय, वो कहाँ है? वो खेत पे गया है। मर्डर वाली रात को कहाँ था वो? पड़ोस के गांव में उसके दोस्त की शादी थी, कल रात को वो वहीं था। जय, देख ये मेरी परेशानी है, माँ बाबा को पता नहीं चलना चाहिए। तो क्या हर बार माँ बाबा से झूठ बोलते रहे? हाँ तो क्या हो जाएगा झूठ बोलने से? हाँ मोहित को देख, क्या कुछ मोहित बड़े बाप का बेटा है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। भाई तुम अपना देखो और मत खेलो एक खतरनाक खेल, वरना इस बार सिर्फ चोट आई है, अगली बार जान पे भी आ सकती है। बलवंत जी बात करने की हालत में नहीं है, वेट करना पड़ेगा, तब तक गांव वालों से पूछना चाहिए, शायद किसी ने कुछ देखा सुना हो। गांव वालों से बातचीत शुरू हो गई है सर, पल्लवी गांव के सरपंच से मिलने गई है। सर उस ठेके का पता चल गया है जहां से मोहित और बादल ने शराब खरीदी थी। जी हाँ साहब, कल रात की बात है, करीब 10:30 बजे के आसपास मोहित और बादल दोनों आए थे ठेके पर। वो दोनों ही आए थे या कोई और भी था उनके साथ? उनके साथ भी कोई नहीं। ये दोनों शराब लेने के लिए ठेके पर अक्सर आते थे, कभी कुछ नोटिस किया? अब साहब पता नहीं है बात आपके कितने काम की है, लेकिन जब भी दोनों पीने के लिए आते थे पैसे हमेशा मोहित ही निकालता था, क्योंकि बादल की तो कुछ हैसियत थी नहीं उसके सामने, पर हाँ दोस्ती दोनों की पक्की थी। अजीत को जानते हो? अजीत की दोस्ती कैसी थी बादल के साथ? मैडम असली दोस्ती अजीत और मोहित की नहीं, मोहित और बादल की थी। दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे, पर बड़े दुख की बात है कि दोनों के साथ ऐसा हादसा हो गया। हमें भी ताज्जुब हुआ, चोरी चकारी की घटनाएं इस गांव में पहले भी कभी हुई हैं, पर इतना बड़ा कांड कभी नहीं हुआ। मोहित की किसी से दुश्मनी सरपंच जी? मोहित के पिता बलवंत जी इस गांव के नामी जमींदार हैं, सिर्फ दौलत ही नहीं बहुत इज्जत भी कमाई है उन्होंने। ये बादल तो नामी जमींदार का बेटा नहीं था, बादल की किसी से दुश्मनी? बादल तो बहुत गरीब घर से था, और गरीब की दुश्मनी गरीबी से, पर बहुत समझदार लड़का था। सरपंच जी, बादल ने मुसीबत के वक्त ना अपने पिता को फोन किया ना भाई को फोन किया, बल्कि अपने दोस्त अजीत को फोन किया। क्यों, घर में कोई झगड़ा वगड़ा चल रहा था उसका? बादल ने सिर्फ अजीत को ही फोन क्यों किया? इस सवाल के साथ साथ कई और सवाल भी उठते हैं। सर मैं उस दिन इंदौर गया था खाद लेने, हमारी फर्टिलाइजर की शॉप है, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? इंदौर से घर कब लौटे? रात को करीब 12 बजे मैंने अजीत को खाना दिया, बस आंखें लगी थी कि बादल का फोन आ गया। पता नहीं सर बादल ने उस दिन मुझे ही क्यों फोन किया, अपने पिताजी अपने भाई को क्यों नहीं? अभी तक हम सब लोग परेशान थे इसलिए कभी इस बात पे ध्यान ही नहीं गया। हो सकता है मोहित ने उसे कहा मुझे फोन करने के लिए, क्योंकि मोहित को जब भी कोई परेशानी होती थी वो हमेशा मुझे ही फोन करता था। इस हिसाब से तो बादल को अपने छोटे भाई जय को भी फोन करना चाहिए था। बादल और मोहित के साथ साथ
अजीत के भी कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाते हैं, पता तो चले इंसिडेंट के वक्त इसकी फोन लोकेशन क्या थी। सर हम दोनों विक्टिम्स और उनकी फैमिली से जुड़े सभी लोगों से मिल रहे हैं, पर एक शख्स ऐसा है जो अभी तक हमारे सामने नहीं आया। खुद बादल का भाई जय, वो मर्डर वाली रात भी यहाँ नहीं था, और मैं जब बादल के फादर से मिलने पहुंचा तब भी वो घर पर नहीं था। सर कहीं हमें जानबूझ के टाल तो नहीं रहा है? सर बादल का भाई आपसे मिलना चाहता है। सर उस रात मैं अपने एक दोस्त की शादी में गया था, शोर शराबे में मुझे पता ही नहीं चला मुझे कब बादल का फोन आया। तुम्हें बादल ने फोन किया था? कितने बजे आया था बादल का फोन? पहले बादल ने तुम्हें फोन किया 12:50 पर, उसके बाद अजीत से कांटेक्ट किया। काश मैंने फोन उठा लिया होता सर, पुलिस थोड़ा जल्दी पहुंच जाती मदद के लिए। तुम्हारे भाई बादल की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं थी सर, भाई बहुत ठंडे दिमाग वाला था और ऐसी चीजों से दूर ही रहता था। किसी को तो दिक्कत थी बादल से, वरना कोई इस तरह से किसी की जान नहीं लेगा। जर जोरू जमीन कोई तो वजह होगी। सर ये जमीन की अनबन तो मोहित की थी। करण ये जान से मारने की धमकी ना बहुत पुरानी और कॉमन हो चुकी। एक काम कर, कुछ नया सोचना और फिर फोन करना। चल फोन रख। क्या हुआ? ये करण और रवि अपने आप को समझते क्या है, मुझे धमकी दे रहे थे। तो पापा को टेंशन नहीं देना चाहता, वरना इन दोनों को तो पूरे गांव में दौड़ा दो। शांत हो जा, शांत हो जा। अरे क्या शांत हो जा, तू तो जानता है ना पापा को, वो कितने सीधे हैं, कभी हक के लिए तो अपने लड़ेंगे नहीं। लेकिन मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, वरना ये करण और रवि सब कुछ हड़प जाएंगे। ये रवि और करण कौन है जी? सर वो दोनों बलवंत चाचा के छोटे भाई प्रकाश चौहान के बेटे, पास में नमनपुरा गाँव है ना, वहाँ पर उनका एक पुश्तैनी कोठी है, वहीं पर रहते हैं। पहले बलवंत चाचा भी वहीं पर रहते थे। मोहित और उनके चचेरे भाइयों के बीच में उसी पुश्तैनी कोठी को लेकर झगड़ा था सर। रवि करण पूरे दिन मोबाइल में घुसे रहते हो तुम लोग, खाने को नहीं जगह ये? अरे कम से कम कुछ काम कर लिया करो, खेतों पे ध्यान दे दो, सब कुछ नौकरों के भरोसे नहीं छोड़ सकते, वहां जाके देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप क्यों खून चला रहे हैं इन दोनों के पीछे, चलिए जल्दी देर हो रही है। मुझे बलवंत भाई साहब का बड़ा दुख होता है, पहले मालती भाभी फिर मोहित, और तुम लोग भी चलो मिल के आना चाचा जी से। जी पापा। जी माँ। ओए क्या जी पापा जी मम्मी, यार अभी तो गए थे उनके घर, फिर बार बार क्यों जाना? और वैसे भी जिसकी मौत का दुख ही ना हो उसके घर जाके भाई मुझसे ना दुखी होने की एक्टिंग नहीं हो पाए। विदिक जाना तो पड़ेगा, और वहां जाके कुछ गड़बड़ मत करना, अपने रास्ते का काटा निकल गए तो जो होगा अपने हिसाब से होगा। प्रकाश तू परेशान मत हो भाई, मैं ठीक हूँ। नहीं भैया आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप माने या ना माने तो मोहित की बात सुनते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने करण और रवि पे हमला कर दिया। आपकी बड़ी फिक्र होती है भैया, आप कुछ दिनों के लिए हमारे साथ चल के रहिए। नहीं प्रकाश मैं वाकई यहाँ ठीक हूँ, अजीत और उसकी पत्नी मेरा अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। क्या रे चमचे आजकल ज्यादा मस्का लगा रहा बुड्ढे को, क्या बात है? जमीन जायदाद के लिए भाइयों के बीच झगड़े कोई नई बात नहीं है, पत्थर की इमारतों के आगे रिश्तों का कद अक्सर छोटा पड़ जाता है, कागज के नोटों के वजन के नीचे दबकर भावनाएं दम तोड़ देती हैं, और ऐसे माहौल में पनपता है जुर्म। क्या मोहित की मौत के पीछे भी यही वजह थी? क्या बादल की मौत महज एक कोलैटरल डैमेज थी, और क्या असली टारगेट मोहित ही था? क्या है प्रकाश, ऐसा क्या बोलना चाहते हो जो सबको इकट्ठा बुला लिया, बात क्या है? जी सर, रवि और करण चाहते थे कि हमारी जो पुश्तैनी कोठी और जमीन है उनका बंटवारा आधे आधे के बजाय 70-30 के भाग में, 70% रवि और करण को मिले और 30% मोहित को। इस बात को लेकर कोई झगड़ा था परिवार में? झगड़ा कैसा सर, अगर बंटवारे में एक भाई को थोड़ा सा ज्यादा मिल जाए तो आखिरकार जमीन और जायदाद घर में ही तो रहती है। और रही बात रवि और करण की सर, तो मोहित का उनके साथ भाई का रिश्ता था। पर रवि और करण ये ऐसा कोई रिश्ता मानते नहीं थे सर, पर मोहित ये बात बखूबी जानता था, इसीलिए वो ये 70-30 वाले बंटवारे के खिलाफ था। भैया हम सोच रहे थे कि कोठी और जमीन बेच के जो भी पैसा आया उसका 70-30 के हिसाब से बंटवारा कर लेते हैं। हिस्सा तो आधा आधा ही होगा चाचा जी,
मतलब 50-50। किस बात का 50-50? यहाँ सारी देखरेख हम लोग करते हैं, खून पसीना हमारा बहता है। और वैसे भी आपकी इतनी सारी प्रॉपर्टीज है बड़े पापा, पुश्तैनी जायदाद में थोड़ा कम मिल जाए तो क्या दिक्कत है? हाँ, प्रॉपर्टीज है तो जलन हो रही है। ए, मोहित, औकात में रह, समझा? जब बड़े पापा कुछ नहीं बोल रहे, बीच में तू क्यों उचक रहा है? और बड़े पापा आप ही बताइए, बड़ी माँ के गुजरने के बाद आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले गए बिना बुआ के पास रहने के लिए। उस समय हमारे पापा ने सब कुछ किया, जमीन की देखरेख, कोठी की मरम्मत, खेती बाड़ी, सब कुछ। आज 20 साल हो गए हैं उस बात को, और हम 70-30 का हिस्सा इसलिए बोल रहे हैं ताकि सारा परिवार राजी खुशी से रह सके। कुछ गलत बोल रहे हैं तो आप बताइए। नहीं रवि बेटा, बोल तो तू ठीक रहा है। क्या ठीक बोल रहा है पापा? बंजर जमीन थी, उस पर खून पसीना लगाकर आपने उसे उपजाऊ बनाया, तब जाकर लोग उसे हाथों हाथ खरीदने के लिए तैयार है। छोटी सी कोठी थी दादाजी की, उसे पैसे लगाकर आपने इतना आलिशान बनवाया। मोहित बेटा, मैं समझ रहा हूँ तो क्या बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन एक बात समझो, आज जो कुछ हमारे पास है उसके लिए ना तो तुमने मेहनत की और ना ही रवि और करण। जो भी हो पापा, लेकिन मुझे ये 70-30 की हिस्सेदारी तो बिल्कुल मंजूर है। अगर इनकी यही जिद है तो ठीक है, छूट जाए सौदा। मोहित सुन ले, अगर तेरी वजह से ये सौदा टूटा ना, तुझे बीच से फाड़ के रख दूंगा, बोल रहा हूँ। करण क्या बोल रहा है तू बेटा? चातुर कैलाश, क्या लगता है तुझे? मुझे क्या लगेगा भाई साहब, मोहित सही बात कह रहा है, बंटवारे का मतलब आधा आधा ही होता है। हाँ, 50-50 ही सही है, सबको बराबर मिलना चाहिए। वाह बड़े पापा, आप लोग किसकी बातें सुन रहे हैं? बाहर वालों को आप हमारे घर के मैटर में क्यों बीच में ला रहे हैं? और वैसे भी ये अजीत चमचा है, पता नहीं इसके मन में क्या चल रहा है। बकवास बंद कर करण, आप कहना चाहते हैं कि रवि और करण उन्होंने मारा मोहित को क्योंकि मोहित की वजह से कोठी की डील नहीं हुई थी? पॉसिबल है बल्लभ जी, कोई बड़ा बायर मिला हो, मोहित की जिद के आगे डील कैंसिल हो गई हो, गुस्सा आया हो रवि करण को इस बात पर। आप ही बताइए, क्या वो दोनों ऐसा कर सकते हैं? कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। वो तो मामा जी को दुख ना पहुंचे इसलिए मैंने आपसे बात छुपाई थी। दोनों आए थे मामा जी से मिलने के लिए, दुख जताने, पर दोनों के चेहरे पर सर छोटी सी शिकन तक नहीं थी। कहाँ हो आप? पुलिस रवि और करण को पकड़ कर ले गई है, उन्हें शक है मोहित को करण और रवि ने मारा है। किसने कहा है पुलिस से? और कौन कहेगा, आपके परम पूज्य भाई ने ही बोला होगा। उनका बेटा तो नहीं रहा, उसका बदला हमारे बेटों से लेना है उनको। वो फिकर मत कर, पुलिस को 10 मिनट में छोड़ना पड़ेगा हमारे रवि और करण को। मैं अभी वकील से बात करता हूँ। अरे बहुत हो गया गेम, अब हमारे सवालों के जवाब दो। कितने रुपयों का सवाल है सर? और लाइफलाइन कितनी है सर? एक लाइफलाइन तो तुम दोनों ले ही चुके हो अपने चचेरे भाई मोहित के, और अभी तुमने तो मोहित को जान से मारने की धमकी भी दी थी। अरे क्यों इल्जाम लगाते हैं सर, मैंने तो उसे सिर्फ सलाह दी थी कि दूसरों के रास्ते में टांग अड़ाने से टांग टूट भी सकती है। अगर ये सलाह है तुम्हारी तो फिर धमकी कैसी होती? इंस्पेक्टर, हम तुम्हारी वर्दी उतरवा देंगे, इसे कहते हैं सर धमकी। और सर धमकी का क्या है, आजकल हर कोई धमकी दे रहे हैं। तुम दोनों को देखकर ये लग नहीं रहा है कि तुम दोनों को अपने चचेरे भाई मोहित की मौत का जरा भी दुख है? सही जवाब, नहीं है बिल्कुल भी दुख, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मोहित को हमने मारा। हर कातिल शुरू में ऐसा ही बोलता है, लेकिन जब हम सबूत रखते हैं ना सामने तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। दिखाइए सर सबूत। आपने हमारे फोन रिकॉर्ड चेक किए? फोन लोकेशन पे कुछ मिला आपको, कोई संदिग्ध नंबर या कुछ? पूरी तैयारी करके आए हो, अच्छी खासी जानकारी है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बारे में। क्या है ना सर, हम क्राइम पेट्रोल बहुत देखते हैं। कॉमेडी भी अच्छी कर लेते हैं। कोई जरूरत नहीं इनके सवालों का जवाब देने की। और इंस्पेक्टर साहब, आपके पास अरेस्ट वारंट है इनका? हमने इन्हें अरेस्ट नहीं किया है वकील साहब, सिर्फ अपने कुछ सवालों के जवाब मांग रहे हैं। बहुत हो गए सवाल जवाब आज के लिए, और अगली बार सवाल जवाब इनके घर पे हो, वो भी सबकी मौजूदगी। रवि करण चलो। एक मिनट करण, तुम अपना मोबाइल फोन भूलिए। जुर्म की भी यही फितरत होती है बेटा, मुजरिम चाहे कितना भी शातिर हो कोई ना कोई चुप कर ही जाता है। मेरी बात याद रखना। थैंक यू सर। वही रुक जा, हाथ ऊपर।
राणा जी कोई गन नहीं है मेरे पास। पुलिस का चमचा है तू, तेरे पे भरोसा नहीं। हुई चेकिंग, अब बोलो खबर क्या है। वो दो लड़के मरे हैं ना पालीपुर वाला केस, मोहित और बादल, उसमें से एक की सुपारी मेरे हाथ आई थी। किसकी? मोहित की? तो बड़े बाप की औलाद है वो, उसी की मिली होगी। बाकी पैसा काम हो जाने के बाद। किसका टिकट काटना है? आसान शिकार है, हर महीने की 15 तारीख को अपने घर और खेत का सामान लेने जबलपुर जाता है। इस बार भी जाएगा लेकिन वापस नहीं आना चाहिए, याद रहे 15 तारीख। 15 तारीख? लेकिन मोहित और बादल तो उससे पहले ही 11 तारीख को। मेरी तरफ से सारी तैयारी हो चुकी थी, देसी कट्टा भी मंगवा लिया था और मारने की जगह भी देख ली थी, लेकिन 15 तारीख से पहले किसी कमीने ने मेरी मुंह की सुपारी खुद ही खा ली। अभी पता नहीं चला है, शायद उसी आदमी ने डबल सुपारी दे दी हो। किसने दी थी ये सुपारी? नाम क्या है उसका? उमेश ठाकुर। उमेश ठाकुर? ये तो नाम भी नहीं पता मुझे, मुझे नहीं मालूम कौन है ये। सर, उमेश ठाकुर प्रीति ठाकुर का भाई है। बादल और प्रीति एक दूसरे से प्यार करते थे, वो दोनों स्कूल टाइम से साथ में थे, लेकिन मुझे पिछले साल ही पता चला। प्रीति हमारे बिरादरी की नहीं थी, इसलिए बादल ने सारी बातें छुपाई थी। सर, मैंने भाई को बहुत समझाया था, लेकिन भाई तुम अपना देखो और मत खेलो ये खतरनाक खेल, वरना इस बार सिर्फ चोट आई है, अगली बार जान पे भी आ सकती है। देख जय, मैं समझता हूँ कि तुझे मेरी फिक्र है, लेकिन माँ बाबा को ये बात मत बता, खामखा परेशान होंगे। और प्रीति और मैं, हम दोनों एक दूसरे को स्कूल टाइम से जानते हैं, तब से एक दूसरे से प्यार करते हैं। खून उनका भी लाल है और हमारा भी, लेकिन खून सिर्फ हमारा बहेगा भाई, वो भी उनके हाथ में, और ऐसा ही हुआ। साले, कितनी बार समझाऊं तुझे, मेरी बहन से दूर रह, उसकी शादी तय हो गई है, समझ में नहीं आता तुझे? उपेश भैया, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मैं उसे मैं तुझे प्यार से समझाने नहीं आया, इस बार समझ ले, वरना समझने के लिए जिंदा नहीं बचे। ये कब की बात है? जब तुम दोनों ने कहा था कि वो मोटरसाइकिल से गिरा था तब? आप परेशान ना हो, इसलिए बादल ने झूठ बोलने बोला था। जय, तुम इतना कुछ जानते थे पर तुमने हमसे सब छुपाया, क्यों? क्योंकि 2 महीने पहले प्रीति की शादी हो चुकी है बेड़ा घाट में, मुझे लगा सब कुछ ठीक हो चुका होगा। अगर सब कुछ ठीक हो गया था तो उमेश ने सुपारी क्यों दी? बादल और प्रीति प्यार करते थे? हमें नहीं पता सर, मोहित ने ऐसी किसी बात का जिक्र तक नहीं किया हमारे सामने, हम नहीं जानते प्रीति ठाकुर को। माँ कहाँ थी आप, कब से ढूंढ रहे हो, नींद ही नहीं आ रही मुझे, आप सुला दो। इतना बड़ा हो गया लेकिन अभी भी मेरी गोद में सोने की तेरी आदत गई नहीं। हूँ कैसे चली जाए आदत, आप माँ हो मेरी, आपकी गोद में सोने में अच्छा लगता है। अजीत, मोहित इधर है। मोहित, मैं कब से बाहर ढूंढ रहा हूँ। चलो जा शर्म। हाँ, मैं मिला था राणा से और बादल की सुपारी भी दी थी। तेरी बहन की तो बेड़ा घाट के किसी दीपक राजपूत से शादी हो चुकी थी, फिर क्यों दी थी बादल की सुपारी? क्योंकि वो कमीना शादी के बाद भी मेरी बहन के पीछे पड़ा था और मेरी बेशरम बहन भी उससे मिलने जाती थी। ये तो अच्छा हुआ कि उसके पति से पहले मुझे पता चल गया। सारी सब्जी लेकर आए हो ना, वरना मेरी सास किट-किट करेगी। फिकर मत करो, सब लेके आया। वैसे सही तरीका ढूंढा है तुमने अपने ससुराल वालों को चकमा देने का। तुम थोड़ी देर बाद निकलना, ठीक है?
भैया मैं चुप। शर्म नहीं आती तुझे? तेरी शादी हो चुकी है। उमेश भैया प्रीति को मत मारो। तू चुप कर साले, तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दोबारा उससे मिली ना तो भूल जाऊंगा तू मेरी बहन है। मिलूंगी। उस बादल ने पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई थी मेरी बहन को। मेरी बहन बागी हो गई थी। अगर ये बगावत उसके पति को दिख जाती तो मेरी खानदान की इज्जत का क्या होता? मेरे पास एक ही रास्ता था और वही मैंने चुना। अगर तुझे ये लग रहा है कि तू कोई भी कहानी सुनाएगा हम उसे मान लेंगे तो गलत लग रहा है तुझे। जिस तरह शुरुआत तूने सच से की थी उसी तरह सच सच बता दे। किसे दी थी बादल की सुपारी? सर मैंने कहा ना कि मेरी सुपारी से नहीं मरा वो। अमित कबीर लालचंद को बोला है सर सारे सुपारी गैंग्स में पता करने के लिए, और उमेश के कॉल रिकॉर्ड्स भी मंगवाए। सर ये उमेश काफी मोटी चमड़ी है, इतना थोड़ा फिर भी मुंह नहीं खोल रहा है। उसकी बहन प्रीति से बात करनी चाहिए, शायद उसे कुछ पता हो। जादव बादल की बाइक का कुछ पता चला? इन्फॉर्मेशन तो हर जगह पहुंचा दिया सर, और चोरी का सामान डील करने वालों के यहाँ भी देखा, पर इस बाइक के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। ठीक है, लेकिन पता करते रहो। प्रकाश ऐसे केसेस में पुलिस सब पर शक करती है, सबसे सवाल जवाब करती है, लेकिन मैंने सारी पूछताछ में कभी रवि और करण का नाम तक नहीं। जब अजीत ने उन दोनों का नाम लिया तो आपने एक बार भी नहीं कहा कि वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। और पुलिस ने तो धमकी दी है मेरे बच्चों को कि वो लोग ये गांव छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। दुर्गा रवि और करण मेरे बेटे जैसे, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बेटे जैसे होते तो आप मान लेते उनकी बात और कोटी का हिस्सा देने से मना नहीं करते। काश ये दुर्गा क्या बोल रही है? देखो कभी कभी हम बच्चों की जिद के आगे मजबूर हो जाते। सही कहा आपने, औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता, और इस केस में अगर मेरे बेटों को कुछ हुआ ना तो मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। भैया मैं बादल की अलमारी देख रहा था तो उसमें मोहित का कुछ सामान मिला। पुलिस मुझसे प्रीति ठाकुर के बारे में पूछ रही थी, पर मोहित ने कभी बताया नहीं उसके बारे में। लेकिन बादल को मोहित ही चढ़ाता था, सच्चे प्यार की कहानियां और पता नहीं क्या क्या बकवास से किस्से सुनाता रहता था। प्रीति का भाई उमेश, उसी ने मरवाया होगा क्या? प्रीति देखो तुम्हारी सहेली तुमसे मिलने के लिए। क्या नाम बताया आपने अपना? पल्लवी। अरे ऐसे क्या देख रही हो, कॉलेज के बाद तो तुम हमें मिली ही नहीं। घबराओ मत, मैं बस मिलने आई तुम्हारी मदद के लिए। प्रीति तुम लोग बातें करो, शाम को आने में मुझे थोड़ी देरी हो जाएगी। मार दिया मेरे बादल को, हमेशा के लिए मुझसे दूर कर दिया। जय कहता था खून बस गरीब का ही बहता है, और मेरे बादल की बस यही गलती थी कि वो गरीब था। देखो प्रीति हमें शक है कि ये सब तुम्हारे भाई उमेश ने किया है। लेकिन मुझे लगता है शायद मेरे पति ने किया है। लेकिन उमेश तो कह रहा था कि बादल और तुम्हारे अफेयर के बारे में दीपक को कुछ नहीं पता। मुझे ठीक से तो नहीं पता, भैया तो दीपक को कभी नहीं बताएंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब से बादल की मौत हुई है तब से दीपक को ज़्यादा ही खुश रहने लगा है। हमारी शादी के बाद से दीपक और मेरे बीच कभी भी रिश्ता ठीक नहीं रहा है, वो हमेशा ज़ोर ज़बरदस्ती करता था। लेकिन आजकल तो वो बहुत प्यार से पेश आता है, और अभी कुछ दिन पहले उसने एक अजीब सी बात कही। क्या बात है मैडम, आजकल सब्जी लेने नहीं जा रही? सब्जी वाला जिंदा तो है ना? मतलब तुम ये कह रही हो कि तुम्हारे और बादल के अफेयर के बारे में दीपक को भनक लग गई थी? मुझे पक्का तो नहीं पता। ठीक है वो हम पता कर लेंगे। नहीं नहीं आप ऐसा मत कीजिएगा, अगर मेरा अंदाजा गलत हुआ और दीपक को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है तो अब पता चल जाएगा और वो मुझे जान से मार देगा। तुम चिंता मत करो ऐसा कुछ नहीं होगा, हम उसे नहीं पता लगने देंगे। दीपक राजपूत के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और चेक करो कि वो किसी सुपारी किलर के कॉन्टैक्ट में था क्या। साथ ही उमेश के बारे में भी पता करते रहो कि वो राणा के अलावा और किसी से भी मिला था। तो सर इसका मतलब मोहित सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि मर्डर के वक्त वो बादल के साथ था। तुमसे ही मिलने आया। यार दीपक ये जमीन की डील एक बार फाइनल हो गई तो तीनों का तगड़ा फायदा होगा। नहीं और वैसे भी तेरा फायदा तो पहले ही हो चुका है। अबे तुम दोनों के तो दोनों हाथों में पहले से लड्डू है। अच्छा लगता है ना जब अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे से शेयर ना करनी पड़े। बात तो सही कह रहा है। क्या
दीपक की करण और रवि से दोस्ती है। हाँ साहब, अब पता चला है त्रिमूर्ति साथ मिलकर जमीन की कोई डील कर रहे हैं। डील तो हुई है इनके बीच, लेकिन किस चीज की ये खोद के निकालना पड़ेगा। शुरुआत से ही पुलिस इस असमंजस में थी कि मोहित और बादल में से असली टारगेट कौन था और कौन दूसरे के साथ मौजूद रहने की वजह से मारा गया था। लेकिन अब पुलिस के पास संदिग्धों के अलग अलग विकल्प मौजूद थे। किसी की बादल से दुश्मनी थी तो किसी की मोहित से, और अब यह संभावना भी नजर आ रही थी कि शायद दोनों के दुश्मनों ने मिलकर ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। सर मुझे एक बात याद आ रही, थोड़ी पुरानी है, कोई 7-8 महीने पहले की। किससे जुड़ी हुई है, मोहित या बादल? दोनों से ही। अरे यार कोई बात नहीं, मेरे में से ले ले। अरे नहीं तू खाना, मैं यही पास में तो है, लेके आता हूँ। ठीक है अबे, हाँ जलेबी खाएगा? हाँ ले ले भाई, भाई लोगों गरम गरम खिलाने का, समझा? अरे गलती हो गई, देख के नहीं चल सकता, साला नया शर्ट खराब कर दिया। तमीज से बात करो ना भाई साहब, बोल तो रहो गलती हो गई। अबे एक तो शर्ट खराब किया, ऊपर से मेरे मुंह लग रहा है तू, जानता नहीं तू मेरे को, जानता नहीं तू मेरे को, नया क्या तू, समझ में नहीं आता। उस दिन जिस आदमी का हाथ जला वो पास के नमन पूरा गांव का नटवर मौर्या है, एक नंबर का गुंडा है सर। उस दिन उसका हाथ गलती से जला और उसके बाद जो उसने जानबूझकर किया वो बहुत ही गलत किया। सब कैसे हो गए, किसने जला के? कमीने ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है मेरा। उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। सब जानते थे ये काम नटवर मौर्या का किया हुआ है। उस दिन तो मोहित और बादल आपे से बाहर ही हो गए। खेत जला दिया, एक बार भी नहीं सोचा, मर साले को छोड़ना मत। नहीं बादल, पैर तोड़ साले का। नहीं मर, नहीं बादल, नहीं बादल। उस हमले में नटवर का पैर टूट गया। बादल का बदला तो पूरा हुआ सर, पर उसके बाद दोनों गांवों के बीच बहुत तनाव बढ़ गया। दोनों तरफ मारकाट की बातें होने लगी। फिर मैंने और नमनपुरा के सरपंच ने मिलकर सबको शांत किया। हम किसान है साहब, फसल जल गई थी हमारी, कैसे भूल सकते उस दिन को। अगर इतनी बड़ी बात थी तो हमसे छुपाई क्यों? गलती होगी सर, सब शांत हो गया था तो हमें भी ध्यान नहीं रहा कि नेटवर्क अब भी उस झगड़े का बदला ले सकता है। बदला वक्त के साथ और बढ़ता है जी। उसकी टांग टूटी, ऊपर से गुंडा, वो कैसे सोच लिया कि वो बाद में बदला नहीं लेगा। रवि और करण की मोहित से दुश्मनी थी, उमेश और दीपक की बादल से। तू चुप कर साले, तुझे तो मैं। फिर पता चला रवि, करण और दीपक दोस्त हैं, और अब ये नटवर मौर्य वाला एंगल सामने आया। इसकी तो अकेले की दुश्मनी थी इन दोनों, मोहित और बादल से, ऊपर से क्रिमिनल भी है, मारपीट के केसेस दर्ज हैं इसके नाम पे। भाई भाई लोगों को गरम गरम खिलाने का, समझा? खिला बे। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है, इसमें जितना अंदर जा रहे हैं उतना ही फंसते जा रहे हैं। ये नटवर और उमेश दोनों ही नमनपुरा गाँव के, उमेश तो जानता ही होगा इसको। चांसेस है कि उमेश ने ही नटवर को सुपारी दी होगी। नटवर की तो पहले से दुश्मनी थी मोहित और बादल से। मैं नहीं जानता कि ये नटवर का काम है या नहीं, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैंने कुछ नहीं किया। तो
उमेश ठाकुर की जमानत हो गई है, ये रहे पेपर्स। ये उमेश के वकील आप कब से हो गए तोमर साहब? कानूनी दांव पेच लगाकर ऐसे मुजरिमों को क्यों बचा रहे हैं? सिर्फ पैसों के लिए? आप अपनी ड्यूटी कीजिए, मैं अपनी कर रहा हूँ। मेरे क्लाइंट रवि और करण चौहान के करीबी दोस्त हैं दीपक राजपूत, और उमेश दीपक राजपूत का साला है। रवि, करण और दीपक उमेश की बेल करवाना चाहते हैं, और उन्हीं के कहने पे मैंने ये काम लिया। छोड़ दो उमेश को। थैंक यू जीजा जी। उमेश, इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात? आखिरकार तुम मेरी बीवी के भाई हो, और वैसे भी तुमने कहा कुछ गलत। हाँ, सही कहा आपने। मान गए तोमर साहब, बहुत काम के आदमी हैं आप, लेकिन हमारा एक कानूनी काम अब भी अधूरा रह गया है। कौन सा काम? हमारे बड़े पापा बलवंत, उनका बेटा मोहित तो रहा नहीं, उनको भी किडनी की बीमारी है, आज या कल वो भी चले जाए। अब उनके जाने के बाद उनके पीछे जमीन जायदाद बचेगी वो तो हम लोगों को आसानी से मिल जाएगी ना, या उसके लिए भी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी? मोहित के बाद अगर उन्होंने अपना वारिस नहीं चुना है तो ऐसी सूरत में हम ब्लड रिलेशन के बेसिस पे दावा ठोक सकते हैं, लेकिन बलवंत जी ने किसी को अपना वारिस चुन लिया है तो कुछ नहीं हो सकता। मोहित के बाद हमारे अलावा और वो किसको अपना वारिस चुन सकते हैं? साहब, काम की खबर लाया। जबलपुर के दो सुपारी किलर नंदू और रघु पिछले हफ्ते पालीपुर में दिखे थे। कहाँ से मिली खबर? पक्की है? बिल्कुल पक्की है साहब, वो गन सप्लायर है मदन चाचा, उन्हीं से मिलने आए थे दोनों। ये ले जाओ, विलायती सिस्टम है इसका, एकदम मक्खन चलेगा। कब गोली अंदर गई, कब आदमी स्वर पहुंचा, उसे भी नहीं पता चलेगा। वैसे इस बार कहाँ का शिकार है? यही पालीपुर में चाचा, दो बकरे इस बार। गोली चलेगी ना तो आवाज आपको भी सुनाई देगी। नंदू और रघु बहुत पुराने सुपारी किलर हैं, चार मर्डर कर चुके हैं, छह हाफ मर्डर के केसेस चल रहे हैं इन पर। ये यहाँ पालीपुर में आए थे और हमें इस बात का पता तक नहीं चला। अगर ये दोनों यहाँ पर दिखे हैं तो इसका मतलब ये है कि मोहित और बादल के मर्डर में इनका हाथ है, लेकिन इन दोनों को स्ट्रैप किया गया था। इसका मतलब यह है कि गन इस्तेमाल करने की शायद जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। हमारे पास तीन संदिग्ध हैं जिन्होंने रघु और नंदू को हायर किया होगा मोहित और बादल के मर्डर के लिए, एक रवि और करण। जमीन जायदाद का मसला, प्रीति वजह होगी। प्रीति का भाई उमेश ठाकुर पहले भी राणा नाम के सुपारी किलर्स को हायर कर चुका था सर। उमेश ठाकुर, सर तीसरा दीपक राजपूत, प्रीति का पति। शायद दीपक राजपूत को प्रीति के अफेयर के बारे में पता चल गया होगा। दीपक राजपूत, दीपक, रवि और करण, शायद इन तीनों की मिली भगत हो, और उमेश भी इसमें शामिल हो गया होगा क्योंकि रवि करण के वकील ने ही उमेश की बेल करवाई। या फिर इस बात के भी पूरे चांसेस हैं कि इन सबने मिलकर ये चक्रव्यूह रचा। नेटवर्क के बैकग्राउंड को देखकर भी ताज्जुब नहीं होगा सर अगर उसने किसी सुपारी किलर से कॉन्टेक्ट किया हो। इन सबके पास अपनी अलग अलग वजह थी, पर इनमें से कौन? दो कत्ल, कई संदिग्ध, जर, जोरू और जमीन, हर मुमकिन मकसद मौजूद था, लेकिन क्या बादल और मोहित की हत्या के पीछे इन्हीं में से कोई वजह थी, या फिर वो मकसद अभी तक पुलिस के सामने आया ही नहीं था? कई ऐसे चेहरे थे जो अब भी पर्दे के पीछे थे, कई ऐसे राज थे जो अब भी सीने में दफन थे। उस रात बादल और मोहित वहां क्यों गए थे? उन्हें वहां किसने बुलाया था? क्या दुश्मनी दोनों से निकाली गई थी? इन हत्याओं के पीछे का सच आखिर था क्या? इस पेचीदा केस के सच तक पहुंचने के लिए पुलिस ने क्या क्या कदम उठाए? एक एक करके इस भ्रम के जाल से सच को कैसे बाहर निकाला गया, ये हम देखेंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।